आपके राजा ना होते हुए भी मेरे पिताश्री आपको प्रणिपात करते थे। अब मैं आपको प्रणिपात करता हूँ। आपके पिता का वन में देहांत हो गया ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है तो पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है। पिता जब पुत्र से दूर होते हैं तो पुत्र के जीवन में भी अंधकार छा जाता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग सूर्य के एक अंश को अर्थात दीपक को सदा अपने साथ रखते हैं। मैंने भी अपने पिताश्री के एक अंश को अपने साथ रख लिया है मामा। ये पासी मेरे पूज्य पिताश्री की अस्थियों से बने हैं। जब जीवित थे पिताश्री मेरी अधिकतर बात अवश्य मानते थे और अब मेरी हर बात मानते हैं। पांच सत्य कहा उन्होंने कि जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है तो पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है। उसी प्रकार अगर पिता भी पुत्र से दूर हो जाता है तो पुत्र के जीवन में अंधकार छा जाता है। लेकिन यहाँ पे शकुनी सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को ही महत्व दे रहे हैं। उनको तो सिर्फ भीष्म पितामह को हराना है क्योंकि उन्होंने उनकी बहन के साथ गलत किया था, तो उनको तो बस भीष्म पितामह को कैसे भी करके हराना है, पूरे गुरुवंश का सर्वनाश करना है, वो उन्होंने तय करके रखा है। उन्होंने अपने ही पिता की अस्थियों में से पांसे बना दिए हैं और उन्होंने ये कहा कि जब पिता जीवित थे तब अधिकतर मेरी बातें मानते थे, लेकिन अब वो मेरी सारी बातें मानते हैं, यानी कि उनके पास है, उनके इशारों पे काम करते हैं और इसीलिए पांडव हार जाते हैं। बस यही कहने की कोशिश करे यहाँ तो शकुनी मामा की मैं पांडव का सर्वनाश करके ही रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री